मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उस समय भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कि इन पर रासुका लगेगी, कंपनी बैन हो जाएगी। आप कोई भी गूगल करके देख सकते हैं, इन सबूतों में भी वो अटैच है। कंपनी बैन हो गई, कब कंपनी बैन हुई है? अगस्त या सितंबर 2017 में, समझे जी, कब बैन हो चुकी है? अगस्त या सितंबर 2017। वही एनसीईआरटी जिसे भर्ती बोर्ड 2021 में अपनी टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करके दोबारा टेंडर दे देता है। किसकी शर्तों को उल्लंघन करके? टेंडर की शर्तों में। टेंडर में पॉइंट नंबर 10 पर लिखा है ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए, और 4 साल पहले वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड हुई है, उसी को क्या दे दिया जाता है? और उसी एग्जाम में उसी प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड हुई है। दोबारा इन्होंने तब पेपर टीसीएस से कराया, बहुत ही बढ़िया पेपर हुआ, बहुत मेहनती अच्छे लोग सेलेक्ट हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है जी। पहली चीज तो क्या आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा इसमें भर्ती बोर्ड की मिली भगत है? टेंडर मैंने तो पास नहीं किया, टेंडर अभ्यर्थियों ने तो पास नहीं किया। टेंडर की शर्तों को तो वही उल्लंघन कर सकता है ना जिसके हाथ में टेंडर पे साइन करने की पावर हो, वो भी टीसीएस जैसी क्वालिफाइड कंपनी को हटाकर जिसके पास आईएसओ जन कौन कौन से सर्टिफिकेट है। इसका मतलब पैसे लेके ही टेंडर आपने इसी कंपनी को दिया जो उत्तर प्रदेश में 4 साल पहले बैन हो चुकी है। चलो ये तो छोटी सी एक बात। एक और कंपनी थी साथ में जिसने बिड डाली थी, सीआईएल, और वो भी इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी थी। हाँ, उसको साइड हटा दिया गया। हाँ, मतलब उन सबको हटा के इसको दिया गया। मैं तो कह रहा हूँ ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका, साफ तौर पर ये चीज लिखी हुई है 47 पेज का, 13 का वो पड़ा हुआ है 20 जुलाई का, उस आरएफक्यू पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में आ जाता है, ये कंपनी सिर्फ वहां पर बैन नहीं हुई, पिछले साल इस कंपनी ने 3 एग्जाम कराए मध्य प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंटों के, और तीनों एग्जाम में इसमें क्या हुआ, एक कॉलेज के 10 बच्चे जिसके कॉलेज में 50% और जैसे यहाँ धांधली हुई है, और उसके वहाँ 150 में से 147-148 ऐसे परसेंट ठीक करवाए। अभ्यर्थियों ने जैसे आप मांग उठा रहे हो, ऐसे अभ्यर्थियों ने मांग उठाई, धरना प्रदर्शन करे, सरकार जागी और इसको फिर से रिजल्ट को बैक करके इस कंपनी को बैन किया गया। सेम कंपनी वही नहीं चलते हैं, 2 राज्य हो चुके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीसरे पर आ जाते गुजरात। अभी कुछ समय पहले गुजरात एनर्जी कॉर्पोरेशन करके जेटको नाम की कंपनी है, GETCO, उस जेटको का पेपर होता है, उसमें भी कोई हम और तुम में से एक आवाज़ उठाता है कि बहुत धांधली हो रही है, फुल के फुल नंबर बांटे जा रहे हैं। जब फुल के फुल नंबर बांटे जाएंगे तो मेरिट तो फुल पे लगेगी। वो फिर से गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने जांच बैठाई और इसका टेंडर निरस्त किया गया, 3 राज्य। चौथा चलते उत्तराखंड। उत्तराखंड में उत्तराखंड का UK SSC, जैसे हमारा UP SSC है, वो किसी एग्जाम को कराने के लिए इसको टेंडर दे दिया, बच्चों ने हाई कोर्ट में रिट डाल दी, समझे मेरी बात, मतलब बच्चा पेपर करने से पहले डर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 3 स्टेज पे मास लेवल का भ्रष्टाचार हुआ। तो जब UPSTF ने जांच की, तो UPSTF ने जांच करके बताया, फॉरेंसिक जांच की, जिसकी हम भी मांग कर रहे हैं। त्रिवेणी सिंह उनकी कोई वो समय पर थी, उन्होंने कहा ड्यूरिंग प्रोब एंड सिक्योरिटी ऑडिट 138 लूप होल्स वर डिटेक्टेड इन सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ NSEIT। साथियों 138 सुरक्षा की खामियां, मतलब आपके कंप्यूटर को 138 तरीके से हैक किया जा सकता है। आप विद्वान कोई होंगे तो आपको व्हाट्सएप, ब्लूटूथ, स्क्रीन शेयर या सॉल्वर, ये 4 चीजें पता होंगी। इसके अतिरिक्त 134 चीजें तो 2017 में थी जिन पर सुरक्षा में खामियां थी, जिनसे पेपर लीक कराया जा रहा था। कितनी खामी है? 138। सोच के भी आपको शर्म आ रही होगी कि हम कैसे भर्ती बोर्ड के उसमें होते हुए भर्ती ये एग्जाम कराया गया, जब 2017 में 138 थी तो अब तो एक आध ज्यादा होगी। साथ में भर्ती बोर्ड के टेंडर में एक चीज और लिखी हुई है कि जो भर्ती बोर्ड है, जो टेंडर कंपनी है, वो सिक्योरिटी ऑडिट करेगी सेंटर्स का। किसी भी एग्जाम सेंटर का कोई सिक्योरिटी ऑडिट नहीं होता है। अगर किसी एग्जाम सेंटर का सिक्योरिटी ऑडिट होता तो वो जो अलग से इंटरनेट की लाइन केवल नकल कराने के लिए डाली गई थी वो पकड़ी जाती या नहीं पकड़ी जाती? Yes, sir. अगर तुमने ऑडिट किया होता, तुम मेरी जांच करोगे, मेरे जेब में कोई हथियार आदि हुआ तो तुम निकालोगे ना? Yes, sir. और अगर वो मेरी जेब में रह गया, इसका मतलब आपने जांच नहीं की।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट कहती है कि उन लोगों ने कोर्ट तक उसने डाला कि विशेष तौर पर लाइन खींची गई। एक भयानक खबर और, भर्ती जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो आप लोगों का डाटा निकालते हैं, क्योंकि फॉर्म तो आपने उसी के सर्वर पे भरा है। आप लोगों का डाटा निकाल के आपको कॉल की जाती है कि भाई क्या तू इसमें एग्जाम में धांधली करना चाहेगा? क्या आपने इससे पहले कभी सुना कि जिस अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा उसी अभ्यर्थी के पास कॉल होके पूछा जा रहा हो कि भाई तूने, तुझे चीटिंग करनी है उसी कंपनी के आदमी के द्वारा? कॉल सेंटर बना रखे इस चीज के लिए। जो दलालों के संपर्क में आके चीटिंग हुई वो तो हुई, सेंटर बिके पूरे के पूरे। 17 से अधिक जिलों के अभ्यर्थी पकड़े जा चुके। कितने जिलों के? तो ये कोई छोटी मोटी एक आध जिले की बात नहीं है, 6 से अधिक जिलों के, छह से अधिक जिलों के एग्जाम सेंटर्स के ऊपर FIR दर्ज की गई है। आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, 5 से 6 राज्यों के एग्जाम सेंटर पर क्या दर्ज की गई है? 4-5 राज्यों के अभ्यर्थी पकड़े गए, 17 उत्तर प्रदेश के जिलों के, राजस्थान, बिहार, हरियाणा तक के विद्यार्थी पकड़े गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चीटिंग का लेवल क्या होगा। अब क्या कोई ये दुनिया में मुझे कह सकता है, गलत साबित कर सकता है कि जो मास चीटिंग की बात हम लोग उठा रहे हैं वो गलत है? अरे केवल चीटिंग की जांच की तो मांग कर रहे हैं, वो 100 हो, वो 200 हो, जितने हो हटा दो, उसके बाद लगा दो मेरिट। चोर तो भर्ती नहीं होंगे। साथ में जो कंप्यूटर, जैसे UPSTF ने जांच की 2017 में, कह रहे हैं SIT UPSTF से करा लो, हमें पूरा भरोसा है UPSTF ने उस समय 138 खामियां पकड़ी, वो इस समय भी दुनिया भर की खामियां पकड़ेगी। हर एक कंप्यूटर पे जो भी आप करते हो हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, कितना फॉर्मेटिंग कर लो। कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहे तो सारे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि उन सारे सेंटरों की आप इन्वेस्टिगेशन करके फॉरेंसिक जांच कर लो, आपको 200 खामियां मिलेंगी। कंप्यूटर सर चेंज कर दे कोई तो? अब लेकिन वही, जैसे भैया ने बात बोली, वो चाहे तो कंप्यूटर चेंज कर सकते हैं, इतने दिनों में नए कंप्यूटर ला के रखा सकते हैं, लेकिन ये पता चल जाएगा कंप्यूटर नया है, इससे वाला पेपर नहीं हुआ, तो वो पकड़े जाएंगे जब तुम्हारा मन होगा पकड़ने का। इंस्टॉलेशन तो पता, 70 आज तक कहां पकड़े गए किस एग्जाम में, फिर भी भर्ती बोर्ड और सरकार और मुख्यमंत्री जी से लेके सारे मंत्री अधिकारी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। क्या हम बेवकूफों की तरह यहां पे हम बैठे हैं, भूखे प्यासे मरने की नौबत है? हम इस उत्तर प्रदेश की समाज सुरक्षा की दृष्टि से तो बैठे हैं, हम कोई कोचिंग के मकसद से नहीं बैठे, हम विसल ब्लोअर हैं। आपको आधों को पता नहीं होगा, जैसे RTI एक्ट होता है इसी तरह सरकार का, सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले को विसल ब्लोअर कहा जाता है। हम विसल ब्लोअर हैं, हमें जान जोखिम में डालकर ये भर्ती बोर्ड के सबसे उच्च अधिकारी का भ्रष्टाचार है। इसमें हो सकता है उसके ऊपर किसी मंत्री की शह हो, सरकार के किसी उच्च अधिकारी की शह हो, तभी तो उसके खिलाफ कोई बात नहीं उठ रही। आपको भर्ती बोर्ड के टेंडर का उल्लंघन दिखा दिया। 2017 में जांच हुई इस कंपनी के, बैन का 2-2, 3-3 राज्यों में बैन होने का नोटिस दिखा दिया। उसके अतिरिक्त वो सारी कटिंग जो है, 70 लोग पिछले 5-7 दिन में गिरफ्तार हुए हैं, वो पूरा भर के, जिसमें नकल माफिया का नेटवर्क, ये लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने किसी को पकड़ा, कोई कॉन्स्टेबल पकड़ के लाया किसी को, उससे कह दी कि अगले बार तो ऐसा ही बनवा दूंगा, हल्का कर ले, ऐसे भी हुए कई। और नकल माफिया के संपर्क में आ गया, SI में उसने पैसे दे के भर्ती हो गया। चाहे कानपुर की बात हो, पहले लखनऊ की बात थी, आज कानपुर भी है। 3 सेकंड में एक एक सवाल हल करने की बात आई। 2019-18 बैच के सिपाही पकड़े गए, पैट एग्जाम 18 नंबर, दरोगा में 327 नंबर, तो जो 301 लेकर बहुत उछल रहे थे, अरे 327 में तो वो चोर है जो बहुत नीचे लेवल का है, 347, 354 वाला भी है, तो फाइनल मेरिट कहां लगेगी? उस दिन रोएंगे सब, उस दिन इन्हें याद आएंगे हम लोग। उसके बाद में IP एड्रेस से कंप्यूटर हैक, कंपनी छोड़ के जा चुकी ऑफिस वगैरह,
कलम से क्लियर थी वर्दी, अंगूठे की बारी आई तो मिला अंगूठा। ये अंगूठा टेक, ये ऐसा ही बनेगा और ये चौकी और थानों की जिम्मेदारी संभालेगा। और तुम कोई कल जाएगा तो मैं दिखा देगा कि ये पैसे के बल पे भर्ती होकर आया है। आप प्राची मैम को सभी जानते हो, उनकी बाइट सब ने सुनी होगी कि किस हद तक इन्होंने बेईमानी करी है भर्ती बोर्ड और कंपनी ने मिलकर। स्टार्ट टेंडर से हो गई थी ये बात, अन्यथा टेंडर किसको दिया जाता? टीसीएस ने 2017 में भी एक भर्ती पूरी तरीके से निष्पक्ष पूरी, भर्ती पे कोई आवाज नहीं उठी 2017 में, भर्ती पे कोई आवाज नहीं उठी। एक बंदे ने बता दो, एक क्वेश्चन लीक हुआ हो, एक गलत व्यक्ति भर्ती हुआ हो। मेरा बैच था पूरा अच्छे से याद है, जहां भी जिस बच्चे से मिलते थे सब बढ़िया बच्चे होते थे। मैंने कभी वादा बदला। चलिए भैया, उसके बाद में आप देख रहे हैं इसमें पूरे के पूरे केंद्र व्यवस्थापक, मैं अपनी संस्था के इंचार्ज अगर मैं ही भ्रष्टाचार करूं तो सारे लोग नहीं करेंगे क्या? इसका मतलब वो पूरे सेंटर में जो लाइन बिछाई गई थी वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं बिछाई गई थी, हजारों बच्चे वहां से चीटिंग कर सके उनके लिए। बरेली में आपको पता होगा भर्ती मेरठ केंद्र पर भी हैक हुए थे, इसमें राधे श्याम करके केंद्र का नाम आया और चार अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद दहशत का माहौल, लोग आई नहीं रेडी बीपीएचटी। मैं तो कह रहा हूँ 70 ये पकड़े गए, 30-40 ये और उगल देंगे और 301 आएंगे नहीं, 400-500 को तो भर्ती से हमने यही निकाल दिया। सोचो किस 400-500 अगर ये जाते तो किसी मेहनती की रोजी रोटी छिनती नहीं छिनती। yes, समाज में मेहनत से किसी का विश्वास हटता नहीं हटता। yes, चलिए आपने ये सब देखा। हाँ, ग्वालियर देहरादून की कंपनी 10 लाख रुपये में कराती थी पास, हिंदुस्तान इन्फोटेक कंपनी, हिंदुस्तान हो गए सर, हिंदुस्तान कहाँ से, ये तो NSEIT थी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि NSEIT क्या कर देती है, किसी आगे वो कर देती है, आउटसोर्स कर देती है। जैसे 2017 में हिसार के किसी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया था, इस बार किसे कर दिया? हिंदुस्तान इन्फोटेक। फंसेगी तो फंसेगी, वो फंसेंगी। कंप्यूटर पर लिया जाता था, उसके बाद पेपर हल कर दिया जाता था, विशेष तौर पर लाइन डाली जाती थी, नाम ढंग से लिखना नहीं आते कि और देख लो सैनपाल को, ये कहीं पर ऐसा ही लिख के कल सैनपाल तुम में से किसी की बाइक रख के जनता खराब कर वो करवाता। देखिए सब पुलिस वाले भी गिरफ्तार किए गए, 20 मिनट में 140 सवाल, तुम में से कोई अभी कर देना तुम्हारा गुलाम हो जाऊं जीवन भर के, तुम्हारा गुलाम हो जाऊं, अभी भी 20 में कोई 140 कर दे। अब आ जाती है फिर से भर्ती बोर्ड। आप सभी जानते हैं कि भर्ती बोर्ड ने आप सभी लोगों से क्या बोला था 15 दिसंबर 2021 को कि हम लोग भर्ती बोर्ड आप सभी की बात को सुनेगा, जो आप बोल रहे हैं उस पर जांच करेगा, और ये बातें सब क्या है, भ्रामक है। चार महीने बाद रिजल्ट आता और ये सारे चोर DVPHT हो जाते तो क्या भर्ती बोर्ड ने जांच की थी? अगर वो जांच करता तो ये तभी पकड़े जाते, कंप्यूटर लॉग रिकॉर्ड तो तब भी थे उनके पास, तो ये पास नहीं होते DVPHT में क्यों आते? इसका मतलब भर्ती बोर्ड ने कोई जांच नहीं, उसे सोचा सब अभ्यर्थी जो आवाज उठा रहे हैं बेवकूफ है, कौन है बेवकूफ है, अभी उठाएंगे शांत हो जाएंगे। हुआ भी वही रिजल्ट आया तो आप लोगों ने फेज वन होने के बाद में कितनी महिलाओं ने चीटिंग की है, एक्स सर्विस मैनों ने की है, अगर आंकड़े निकाल दोगे तो होश उड़ जाएंगे। यही भर्ती बोर्ड 13 मई को मान जाता है कि चीटिंग हुई है और 157 लोगों की लिस्ट जारी करता है। अरे भाई तुम तो 4 महीने पहले कह रहे थे कि भर्ती में कोई धांधली हुई, 4 महीने बाद आ जाए इतनी तगड़ी लिस्ट जारी कर रहे हो, कहने का अर्थ क्या है एक सांस में? ये कहां से शुरू हुई धांधली? भर्ती बोर्ड से, टेंडर से, टेंडर से शुरू। जब टेंडर जहां भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष उसके सदस्य फंस रहे हैं तो क्या कभी वो जांच कराएंगे? क्या वो जांच करानी शुरू करेंगे? क्या हम लोग यहीं बैठे रहेंगे? फिर कहानी है ये तुम्हारे सामने है, सरकार इसमें मिली हुई है पूरी तरीके से, वो बड़े अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें पता है कि उनका कुछ नहीं होने वाला। उधर कुछ बच्चे जो 36,000 में, उनको सोच रहा कि हम उनकी उनका नुकसान करने बैठे, हम उनकी सीट बचाने बैठे, वो कभी नहीं सोच पाएंगे। क्या इसमें और भी लोग, बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो बच्चों को मेहनत का झांसा देकर और उन्हें साइड से दूसरे लोगों के थ्रू चीटिंग कराते हैं। मेरठ के सेंटरों की जांच हुई तो बड़े बड़े अध्यापकों का, बड़ी बड़ी संस्थाओं का इसमें नाम आना तय है। तो वही भर्ती बोर्ड आपसे कह रहा है
इजी चीटिंग हुई है, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। अब हमारी मांग एमपी वाला इसमें ये एमपी वाला मैंने दिखा दिए सारे। हमारी मांग में फिर से सुन लो बहुत से लोग, हमारी मांग थी कि जांच की जाए कि टेंडर नोटिस की शर्तों का उल्लंघन करके क्यों उत्तर प्रदेश में बैन कंपनी को परीक्षा कराने का ठेका दिया गया। पहली मांग, ऐसे तो हर भर्ती में होता रहेगा। अभी 26,382 का दे देंगे नहीं लोगों को, ये ऑफलाइन भी कराती हैं। हाँ ऑफलाइन कर, ये ऐसे ही लेखपाल की भर्ती का ठेका दे देंगे, 829 UPSI की आएगी उनका ठेका दे देंगे। कंपनी के क्रेडेंशियल की जांच, हमें एसआई बनने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज से गुजरना पड़ता है। हमारे चरित्र प्रमाण पत्र से लेकर हर चीज मांगी जाती है, कंपनी की क्यों नहीं मांगी गई, बिना वेरिफिकेशन के टेंडर क्यों दिया गया। चलिए आगे आ जाते हैं। 17 से अधिक जिलों के अभ्यर्थी हैं तो मास पैमाने पर चीटिंग हुई है। हमारी पहली मांग थी कि एक उच्च स्तरीय SIT गठित करके समयबद्ध तरीके से इसकी सबसे पहले फॉरेंसिक जांच की जाए, जितने लोग पकड़े गए उनको रिमांड पर लेकर उनके कॉन्टैक्ट दलाल जहाँ से पैसे इकट्ठे किए गए, जिसको दिए गए, सगे संबंधी, उनके पिछले एक दो साल के रिकॉर्ड की पूरी जांच। भर्ती बोर्ड की संलिप्तता की जांच हो, किसके कहने पर टेंडर की शर्तों का उल्लंघन कर दागी कंपनी को टेंडर दिया। हर एक परीक्षा सेंटर के प्रत्येक कंप्यूटर की फॉरेंसिक जांच हो, सभी दलालों पर रासुका लगे जितने भी इसमें शामिल थे। आने वाली भर्ती निष्पक्ष हो, इसके लिए गाइडलाइन बने, कैबिनेट के द्वारा वो गाइडलाइन पास हो और अभ्यर्थी अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से कर सकें। आगामी अभ्यर्थियों को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ना बनना पड़े, और 48 डिग्री की चहकती धूप में वो अभ्यर्थी जिसने अपना अपने पूरे खानदान का वोट इस सरकार को दिलाया, वो इसके लिए खून के आंसू बैठकर ना रोए। उसके लिए एक तंत्र विकसित हो जहां वो जाके कोई ऐसा लोकायुक्त या लोकायुक्त कार्यालय में कोई ऐसी ऐसा कोई विभाग जहां पर आप अपनी शिकायतों को मैं सबूत दर्ज कराएं तो उन पर लोकायुक्त या कोई कार्रवाई हो सके। क्या इसमें से कोई भी मांग गलत करी है? नहीं सर। क्या कोई मांग इसमें स्वार्थ के लिए है? नहीं सर। एक था कि जिस बच्चे ने मेहनत की है, उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाने पे मेहनत की, बचपन से एक सपना होता है दरोगा का कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे दरोगा बने। आप सब में काबिलियत है, आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों के पास भी जुगाड़ हो सकते थे, चाहते आप लोग भी 15-20 लाख रुपए दे सकते थे, कर सकते, मगर आप लोगों ने तय किया कि नहीं मेहनत से भर्ती करेंगे। मेहनत से भर्ती करते 125, 20, 10 बहुत अच्छे मार्क्स, बुरे नंबर नहीं है, पीटने तो जाए जब भी। लेकिन वहीं एक ऐसे लोग आपके सामने आ जाते हैं कि जो लोग पैसों के दम पर आपकी सीट को खाते हैं, तो क्या आपका हृदय नहीं रोता? क्या आपका हृदय नहीं रोता? मैं इतने लोग लाइव देख रहे होंगे, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जब आपकी कोई सीट मेहनत से कमाई हुई, मेहनत से पढ़ाई की, वो कहते ना कि मेहनत की तो कोई रोटी भी छीन ले तो दिल घबरा जाता है, तुम्हारी तो पूरी रोजी रोटी छीन ली, तुम्हारा दिल नहीं घबराता क्या? तुम बैठ कर अपने घरों पर क्रांति की अलग देख रहे हो, हम यहाँ पर सबूत भी इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़े भी हैं, क्या वो माँ बाप का दिल नहीं घबराता कि हम अपने बच्चे को लेकर आए? सरकार आप लोगों को इतना सपोर्ट किया, आप लोगों को इतना अच्छा मानते हैं कि आप लोगों का एक हक नहीं बनता था इन सबूतों को ले जाएं या इन्हें गलत साबित कर जाएं, दो ही बात होती है। हमें गलत साबित कर जाओ, हमारे ऊपर मुकदमा लिख दो अगर हम गलत हैं तो, या इसको एक बार लेके जांच तो बिठा सकते हो, 7 दिन की प्रिलिमिनरी जांच बिठा लो, हम उसी में खुश हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे कम से कम सरकार को पता था कि इसमें अच्छे लोग भर्ती किए या बुरे लोग भर्ती किए। और आप केवल भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के चक्कर में किसी को भी ले रहे हो तो ये बात क्या है? बहुत ही गलत है। तो हम लोग अब यहाँ इतने दिन से 27वां 28वां देने बच्चे कर रहे थे, फिर 16 15 16 से हम लोग आए, पर हमें इतनी धूम में उतना दम नहीं है ना कि हम लोग 48 घंटे 72 घंटे भूखे रहने के बाद क्रांति। तो अब जो होगा देखा जाएगा, मैं कल आत्मदाह करूँगा अगर सरकार का कोई मंत्री इन पर या तो हमें गलत साबित नहीं कर जाता कि हमारा इंसान गलत है, मुड़ जाएंगे, या हमारी इस बात को सुन नहीं लेता। ये मेरे पास लास्ट है और इसलिए है,
और हम कोई कोचिंग के उससे नहीं है, विसल ब्लोअर है। जिस विसल ब्लोअर एक्ट को सरकार ने भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए बनाया, हम उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको मैं सबूत दे रहे हैं, भर भर के सबूत दे रहे हैं। आप हमसे आइए, लेकर जाइए सबूत, जो मीडिया जो मंत्री जो अधिकारी कहे वो लेकर जाए, अन्यथा कल एक पोस्टमार्टम करने के लिए रेडी रहेंगे। हम सब साथ में चलेंगे, सब साथ में चलेंगे सर, हम लोग साथ में ऐसे बैठने से पागलों की तरह रात को उठा देते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए लोगों को, सोच रहे हैं कि हम पता नहीं कौन सा जमीन मांगने आए सरकार से, कौन सा प्लॉट मांगने आए। अरे इसी समाज के लिए अच्छा करने आए थे, अपनी नौकरियां छोड़ के हमने कर रहे हैं, जो उठाते हैं उनसे डबल एजुकेशन रखते हैं, उनके खानदान में कोई इतने पढ़े नहीं होंगे, उतने एजुकेशन रखते हैं, हजारों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, उसी ईमानदारी के लिए जब भ्रष्टाचार हुआ तो आज बैठे हैं, ना कि इसी फेल हुआ है तो उसको पास कराने या उसका रीएग्ज़ाम कराने। ईमानदारी से 9,514 दरोगा भर्ती हूँ उसके लिए। अब ईमानदारी पसंद नहीं है तो उस देश में रहने का फ़ायदा ही कहाँ है, जहाँ किताबों में ईमानदारी बचपन से पढ़ाई जाए, स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती पर उनकी फ़ोटो में माला चढ़ाई जाए, और पीठ पीछे वही नेता वही अधिकारी मक्कारी करें, वही सत्ते में जयते का टैग लगाकर उसी के नीचे भ्रष्टाचार करें, उसी भारत माता की टुकड़े टुकड़े करें ये लोग भ्रष्टाचार के द्वारा, तो ऐसे देश में जीवन जीने का ईमानदारी का पाठ पढ़ाने का क्या फ़ायदा। यही हमारा था आप लोगों के लिए, सारे सबूत हैं, आप ऐसे जो अपने आप को किसी का भी पक्षधर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप ये सब ले जाइए एक फाइल, आप स्वयं पढ़िए, इसमें कोई आपत्ति हो आपको आप दर्ज करा सकते हैं। आपको लगता है हमारा आंसर गलत है, हम रात को उठ जाएंगे, ना तो हम किसी झगड़ा करने आए, ना पुलिस से, ना किसी से, ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे करने आए। हमें तो उम्मीद थी कि हम मन से ईमानदारी की बात कहेंगे तो शायद सुनने वाला कोई होगा, लेकिन देश में ईमानदारी की बात करने वाले हैं उसको सुनने और उस पर चलने वाला कोई नहीं है। तो ठीक है, हम भी देखते हैं, भगवान श्री राम हमारे अंदर भी बसते हैं, या आप अपनी जिद पूरी करते हैं या आप ईमानदारी पूर्वक SIT जांच करते हैं। SIT जांच तो इसकी आपको करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप ही ने भ्रष्टाचार किया। वो मीडिया से भी एक अनुरोध है, चाहे रवीश कुमार जी हो, चाहे वो ईस्ट आज तक का कोई हो, या ABP का कोई हो, भारत समाचार हो, या कोई और हो, जिन्होंने दिखा, ये यूथ है, ये सब देखते हैं आपको, आपको आइकन मानते हैं, आपको इनकी ईमानदारी वाली बात तो उठानी चाहिए थी। अरे झूठे आगे कहते ना 9,534 वैकेंसी को 19,000 कर दो, तो आपको बात इनकी गलत लगती, गलत बात होती। यही तो कह रहे हैं 9,534 इज्जतदार ईमानदार दरोगा भर्ती कर लो, क्या इस बात को उठाने में आपको कौन सा आप पे मतलब विद्रोह का वो लग जाएगा। ईमानदारी की यही 9,500 तो हमने भी निकाल दिए, ये 500 कल को चौक चौराहों पर जाते, ये किस तरह भक्षक बनते, ये किस तरह भ्रष्टाचार फैलाते, आप भी इनकी चपेट में आते। सब लोग आते कहते हैं कि गलत का साथ देने वाले के साथ भी एक दिन क्या होता है, गलत होता है। कोई एक एग्जांपल आपको, एक ऐसा ईमानदार, कोई भी एक ऐसी कहानी मुझे बता दो जहाँ किसी ने गलत का साथ दिया हो और उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, उसके साथ गलत नहीं हुआ हो, कोई भी एक कहानी जो भी आप ऐसे बताना चाहें। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी कहानी ऐसी पढ़ी होगी आपने जिसने गलत किया उसके साथ अच्छा हुआ हो, तो गलत का साथ देता है एक दिन गलत उसी को पकड़ता है। तो अब ये हमारी आप लोगों से दरख्वास्त है, ये आप सभी लोगों को आना चाहिए था, माता पिता को अपने बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ। लखनऊ 500 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से, 500 होगा ज़्यादा, 600 होगा दिल्ली से, 600 मान लो, उत्तर प्रदेश किसी भी मतलब उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से लखनऊ 500 किलोमीटर है, रात को बैठते तो सुबह आप ट्रेन में आ जाते, 300-400 रुपये लगते होंगे पैसेंजर में, लेकिन अपनी सीट नहीं जाने देते, हमें आने की जरूरत नहीं होती, आप अपना हक मांगते। हम कल सुबह 9 बजे तक आपका इंतजार करेंगे, आप सब लोग जो इससे व्यथित हैं नहीं आते कोई बात नहीं, हमने जिन स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ा उनसे सीखा, उन्हीं के नक्शे कदम पर उतर कल आत्मदाह करेंगे अगर हमारी बात को मंत्री मुख्यमंत्री नहीं सुनते, क्योंकि अब हमें उन्हीं पर भरोसा, हमें बीच में किसी पर भरोसा नहीं है, हम किसे मिलेंगे भी बीच में, गृह मंत्रालय उनके अधीन है, पुलिस भर्ती बोर्ड उनके अधीन है,
तो हम तो उन्हीं से आश्रय लेंगे। वो कह देंगे झूठ है, भाग जाओ, इसी विद्या पे हाथ रख के कसम खाते हैं, हम आएंगे नहीं वापस। तो मुख्यमंत्री को नहीं लगता है गलत है, ठीक है, लेकिन एक बार फाइल तो देख लें, सुन तो लें एक बार। वो कह देंगे नहीं जो गलत है तू तो झूठ बोल रहे हो। हम कह देंगे ठीक है, प्रदेश के मुखिया को जिनको राम राज्य है साबित करना उन्हीं को नहीं है, ठीक है मान लेके हम चले आएंगे वापस उससे पहले। तो अभी भी आपको किसी को कोई सवाल पूछ रहा हूँ, सबको खुली छूट है। फिर मत कहना कि जी अपने अपने चला रहे थे। आप में से कोई भी सवाल पूछना चाहे कि जी ऐसे हुआ है नहीं हुआ, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं खुशी से, बताइए भाई। कोई भी भैया आप कुछ पूछना चाहेंगे, देख लीजिए कोई आपके मन में सवाल आ रहा हो, आप कोई कहीं बहनों में कोई यहाँ कुछ सवाल नहीं पूछेगा, आप आत्मदाह करेंगे हम सरकार करेंगे। नहीं मैं अभी सवाल की बात कर रहा हूँ, कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं कि क्योंकि हमें गलत साबित करो ना, हम तो चाहते हैं कि कोई गलत साबित कर दे, हम गलत तो हमें भी तो पता चले हम गलत हैं। गलत की आवाज़ उठाना, अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाना गलत है, तो आप हमें गलत साबित कर दो, हम उठ के चले जाएंगे, क्योंकि अन्याय का साथ देना तो गलत है ना। फिर क्या पता हमारे आंखों में पट्टी मंत्री हमें नहीं दिख रहा हो, आप साबित कर दो। हमने तो खूब विश्लेषण के बाद में, आप जानते हैं SIT पहले अखबार, आज एक अखबार में मेरठ के अखबार में छपी, लखनऊ में तो छपी भी नहीं, मतलब मैं पागल बनाने के लिए। SIT किसके लिए SIT गठित होगी, मुकदमों की जांच के लिए, चार सेंटरों के लिए, छह जिलों के तो सेंटरों के नाम है, इसे भी कौन करेगा। हर के विश्वकर्मा जी हमें विश्वास नहीं है आप पर महोदय, आप पे हमें कतई विश्वास नहीं है। मैं नहीं पता था आप 30-35 साल की नौकरी करके और एथिक्स का पेपर लिख के UPSC में और आज भ्रष्टाचार करेंगे, आपका है ये नंबर 10, ये नंबर 10 पॉइंट आर के विश्वकर्मा जी आपका है, पढ़ लीजिएगा इसे। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर आपने दिया है, आपके भर्ती बोर्ड के सदस्यों ने दिया है, आप पे भरोसा नहीं है, आप तो SIT में रह ही नहीं सकते। चोर खुद की चोरी की जांच कब से करने लगे, या तो SIT में रेणुका मिश्रा मैम हो, या संजय सिंगल सर हो, प्राची मैम हो, अनिरुद्ध पंकज सर DIG SIT, वो SP उनमें SIT के वो हो, STF के अधिकारी हो, भर्ती बोर्ड का कोई सदस्य ना हो, भर्ती बोर्ड या जो इस विभाग से उनसे जुड़े हुए लोग उनमें कोई ना हो, कोई नहीं सदस्य, वो यारी दोस्ती निभाएंगे, और अभ्यर्थियों को भी उसमें पब्लिक प्रतिनिधि के तौर पर शामिल किया जाए। अभ्यर्थी ये सारे आपको लाला के दे देंगे, और चाहे 15 दिन 20 दिन में 7 दिन में करवा लो, कितना टाइम लगेगा। 20 दिन में मैं कह रहा हूँ सारों में घूम जाऊँगा, मैं एक एक कंप्यूटर को चेक कराऊँगा, खोल के नहीं करना पड़ता, सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू चेक करना पड़ता है। तो कल फाइनल डे होगा, ये जो आ सकते हैं आप सभी लोगों को जो आ सकते हैं सुबह 9 बजे तक 10 बजे तक आप लोग आ जाएं। जब पहले दिन आए थे हम लोग यहाँ 700-800 लोग थे, फिर हमें रात में भगा दिया, अगले दिन 100-200, आज फिर से कितने होंगे मुझे तो अंदाजा नहीं है, 200-300 करीब लोग हैं। ये भी गर्मी में हैं, ये भी किसी के भाई बहन हैं। आप लोगों को पूरे सबूत दे दिए, यही मैं देना चाहता था, इनकी मैं PDF बना के आप लोगों को दे दूंगा, टेलीग्राम वगैरह पे चेक करते रहना कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे। भर्ती बोर्ड का टेंडर नोटिस गूगल पे सारा पड़ा है, NECIT MP बहन, NECIT गुजरात पेपर लीक, NECIT उत्तराखंड, NECIT UPSI 2017 डालोगे ऐसा खुल जाएगा जैसे कि तुम किसी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की गाथा पढ़ रहे हो। ओ इतना यशस्वी थे, तो इनके यशस्वी पने की कौन कौन इसमें शामिल है सब ये पकड़े जाने चाहिए। आज इसको यूँ लग रहा घर बैठ के कि भाई ये गलत है, गलत है ये पूरी तरीके से। तुम आवाज़ नहीं उठाओगे उत्तर प्रदेश की हर भर्ती में ऐसा होगा, इस बात को आप लिख लीजिए। सबकी मेरी उठाई जाएगी, ये पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया, हजारों करोड़ का घोटाला है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, इससे बड़ा घोटाला नहीं होगा। सर आप कुछ बोलिए प्लीज, मेरे तो बस की नहीं। देखिए विवेक सर ने सारी बातें आपको बता दी और इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं, सबूत आपके सामने है। अगर कोई भी जांच करेगा, अगर कोई भी जांच करेगा और बिल्कुल सही तरीके से जांच करेगा, तो पहला ही पॉइंट जब टेंडर जारी हुआ था तभी उसके क्लॉज नंबर 10 पे आके अच्छे पढ़े लिखे अधिकारी की निगाह यहीं रुक जाएगी। हम कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं, क्लॉज नंबर 10 का उल्लंघन ही क्यों किया गया, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि एजेंसी एंड उसकी सब्सिडरी जो ब्लैक लिस्टेड होंगी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
उनकी किसी फर्म या डायरेक्टर पर अभी कोई भी कोर्ट में या लॉ में ब्लैकलिस्ट का कोई मुकदमा होगा या क्रिमिनल केस होगा तो वो टेंडर नहीं डालेगी। यहाँ टेंडर डाला भी गया, टेंडर उसको दे भी दिया गया, बाकी तो बात ही पीछे है। ये तो यहीं पर रुक जानी है सारी जांच, पहली चीज़ पर रुक जानी है, तो इसको तो कोई भी पढ़ सकता है। आप जाइए, टेंडर नोटिस देखिए, हमारे पास PDF है और आप लोगों के लिए हम बहुत लड़ लिए। अगर आप लोग अपने लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग नहीं लड़ सकते हैं, नौकरी हमें नहीं मिलनी है। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, अपना घर परिवार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ पढ़े हैं और केवल आप लोगों के लिए पढ़े हैं, और आप लोग अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है। जो विद्यार्थी हमारे ही पढ़ाए हुए सेलेक्ट भी हुए हैं वो हमें उल्टा कह रहे हैं कि आप भर्ती रुकवा रहे हो। उन बेवकूफ़ों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 130 135 से ऊपर वाले घोटालेबाज बहुत हैं और तुम 128 पे सोच रहे हो कि हमें वर्दी मिलने वाली है। नहीं ना, अपने आप नहीं, ये समझ में नहीं आ रही है बात। तो अगर आपको लगता है तो ठीक है भाई, फिर आप अपने अपने घर बैठिए, हम ही क्यों करने वाले हैं। आगे से जो आपकी मर्जी वो करिएगा, कल आखिरी दिन है। अगर आपका समर्थन मिलता है सुबह 9-10 बजे तक फाइनल देखा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर समर्थन नहीं मिलता और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सामने नहीं आते हैं तो कल की गतिविधियों की सुबह जिम्मेदारी प्रशासन की। धन्यवाद, जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 आबाद जो अनेक है, आबाद जो अनेक है, आबाद जो अनेक है। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, बंद करो।